नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, फॉर द सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट्स द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप इक्वल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, यदि एक हीट पंप इक्वल टेम्परेचर पर काम कर रहा है तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वह किसके बराबर होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें राइट ऑप्शन है बी वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं। जब भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा आप समझ जाएंगे कि वही वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वन टन रेफ्रिजरेशन मशीन इम्प्लीज दैट द मशीन। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है उसके अंदर वन टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। तो जो टन है रेफ्रिजरेशन के अंदर वह रेफ्रिजरेशन की क्षमता को बताता है। तो वन टन क्या शो कराता है कि जो हमारी आइस है वो कितनी आइस है, वन टन आइस है, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कौन? रेफ्रिजरेटर। यही वन टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इंक्रीज दैट द मशीन हैज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू। जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि वन टन रेफ्रिजरेशन इन चारों में से किसके बराबर होती है उसकी वैल्यू। तो आप जानते होंगे इसको, तो ये होती है 210 किलोजूल पर सेकेंड के बराबर। तो इसके ए वाले ऑप्शन पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन किलोवाट, मतलब जो वन टन रेफ्रिजरेशन है वह किलोवाट में इन चार ऑप्शन में किसके बराबर होता है। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हैज अ रेफ्रिजरेटिंग लोड ऑफ द ऑर्डर। इसमें जो ऑर्डर पूछ रहा है लोड का, जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो होता है लेस देन 0.25। तो ए वाले ऑप्शन इसको आप क्लिक कर लें। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ वैल्यू थी जो हमें याद रखना जरूरी है इस पे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम प्योर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हम पहले न्यूमेरिकल को समझा रहा हूं, जिसमें लिखा है, राउंड द क्लॉक कूलिंग ऑफ एन अपार्टमेंट हैविंग अ लोड ऑफ 300 मेगा जूल पर डे रिक्वायर्स एन रेफ्रिजरेटर प्लांट। क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल पूछा गया है कि जो हमारा एक ऐसा रूम है या कोई अपार्टमेंट है जिसमें 300 मेगा जूल पर डे के हिसाब से हमें क्या है कूलिंग की जरूरत है, तो उस कूलिंग के लिए हमें कितने टन के जो हमारा एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होगी या एयर कंडीशनिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट की होगी, जिसमें कितने कैपेसिटी का हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए। तो इसका एक जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो इसकी कैलकुलेशन मैं बताता हूं सबसे पहले। तो यहां पर सामने आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे कि जो कूलिंग रेट दिया है 300 मेगा जूल पर डे, इसको हमें किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर दिया 300 × 10³, मतलब जो मेगा जूल था उसको हमने किलो जूल में बदल दिया 10³ का मल्टीप्लाई करके। मेगा को हटाने के लिए हम 10⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब हमें मेगा हट जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा। अब 10⁶ में से अगर 10³ को हम काट देंगे तो हमारा किलो जूल बन जाएगा। इस तरह हमने 10³ का मल्टीप्लाई किया। अब पर डे, पर डे को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो डे के लिए हम 24 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डे किस में बदल गया हमारा, हमारा किस में बदलता आवर्स में। तो आवर्स को बदलने के लिए हम मिनट में हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम फिर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 60 कितना हो जाता है, 3600। इस तरह 24 × 3600 का मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3.47 किलो जूल पर सेकेंड हो गया। अब ध्यान रखें, तो इसको अगर किलोवाट में बदलना है तो क्या हो जाएगा, के की जगह किलो रहेगा, जूल पर सेकेंड होता है वाट। इतना समझ में आ गया होगा।
अब आगे क्या होता है, एज 1 टन ऑफ रेडिएशन इज इक्विवेलेंट टू 3 किलोवाट, जो मैंने ऊपर का क्वेश्चन बताया था आपको याद हो, 1 टन रेडिएशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 किलोवाट की, जब हम 1 टन को किलोवाट में निकालना हो, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 टन, क्योंकि 3.5 हमारा आंसर निकला है, 3.5 किलोवाट निकला, तो यह किसके बराबर होता है, 1 टन की। तो इतने के लिए, इतनी क्षमता के लिए हमें 1 टन एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है, इन अ 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, एक वाटर कूलर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 टन। आगे लिखा, वाटर इंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर कूलर के अंदर इंटर कर रहा है, भेजा जा रहा है, कितनी टेम्परेचर पर भेजा जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पर, और किस रेट से, 200 लीटर पर आवर से, एक घंटे में कितना भेजा जा रहा है, 200। आगे लिखा, टेकिंग स्पेसिफिक हीट, और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी लेना है वाटर की, 4.16 किलोजूल पर केजी केल्विन। और आगे पूछ रहा है द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ अ वाटर, और जहां से वाटर एग्जिट करेगा उसका टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो इसके भी सॉल्यूशन और आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा आपको तो मैं समझा देता हूँ, ऊपर के जो समझने के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हम क्या निकालते हैं, जो हमारी कैपेसिटी होती है किसकी, वाटर कूलर की या फिर रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते आ जाते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे वाटर की कैपेसिटी दी है, जैसे कि यहाँ पर दी 200 लीटर पर आवर्स, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सेकेंड में, पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आवर्स दिया उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 का डिवाइड करके, फिर 60 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। एक बार 60 को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरी बार 60 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर दिख रहा होगा 3600 का डिवाइड 200 में, क्योंकि 200 लीटर हमारा क्या है, वाटर है, जो रेट दिया है कि इतने लीटर के हिसाब से पर आवर्स वह इंटर कर रहा है। तो इसके बाद होती है स्पेसिफिक जो हीट होती है उसका मल्टीप्लाई करते, फिर होता हमारा जो हमारा इंटर कर रहा है टेम्परेचर वाई माइनस, जहां से एग्जिट टेम्परेचर हो रहा है वाई, तो इंटर T1 मान लेंगे हम, एग्जिट T2 मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रखी। और इक्वल कितना होता है, जो 1 टन के अकॉर्डिंग चलते, कि 1 टन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 1 टन कैपेसिटी को अगर हम किस में देखें, किलोवाट में देखें या किलो जूल पर सेकेंड में देखें, तो 3.5 होता है, इसके इक्वल में हमने 3.5 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला पूरा बन जाता है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 15 डिग्री सेल्सियस T2 इक्वल टू, तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखेंगे डी वाला ऑप्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस एंड एन एवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा कंडेंसर है उसका टेम्परेचर दिया है और हमारे एवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया है। इफ द मशीन इज फंक्शनिंग, मशीन चल रही है, इस पे हीट पंप की मशीन चल रही है, मतलब इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हीट पंप के हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालना है, जो दो टेम्परेचर यहाँ पर दिए हैं उनके आधार पर। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया उसका मैं पहले मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर T1, T2 और दिए हैं, तो T1, T2 जो हम लेते हैं वह किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, जबकि टेम्परेचर हमारा किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 का प्लस करते हैं, मतलब जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया जाता है उसमें हम 273 का प्लस करते हैं, 273 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 73 दिया हुआ, तो अगर हम इसमें 273 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो -3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसमें अगर हम 273 जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, तो उसमें से घट जाएगा, तो वाई कितना बचेगा, 270 बचेगा, ठीक है। अब याद रखें, जिसका टेम्परेचर कम होता हुआ है हमारा T2 होता है, जो टेम्परेचर अधिक होता हुआ है T1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वैल्यू रख ली है। इसको जब कैलकुलेट किया तो 7.75 आंसर आ गया, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद रख लें, ये क्या है, हीट पंप का हमारा COP का फॉर्मूला, जो टेम्परेचर दिए रहते हैं इस तरह के वो मैंने बता दिए हैं, जिसका कम टेम्परेचर रहता है या फिर जो माइनस में टेम्परेचर रहता है वह T2 रहता है, और जिसका अधिक टेम्परेचर रहता है वह क्या रहता है, T1 रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, अ रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस है और वर्क कर रहा है बिटवीन टू सच टेम्परेचर दैट, जिनका रेशो दिया, दो टेम्परेचर पर काम कर रहा है और जिनका रेशो दिया है
लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर कितना दिया रेशो 0.8 दिया है, और बोला इफ अ हीट पंप इज ऑपरेटेड बिटवीन द सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पर हीट पंप ऑपरेट किया जा रहा है, आगे यार देन व्हाट वुड बी द सीओपी, और उसकी सीओपी क्या होगी। इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं और इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं इसको ध्यान से समझे जो मैं समझा रहा हूं। जैसा कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया, रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है कार्नोट साइकिल पर बेस, तो उसका जो सीओपी होती है रेफ्रिजरेटर की वह होती है टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। अब यहाँ पर लेकिन उनने क्या कह दिया, रेशो दिया लोएस्ट एंड हाइएस्ट टेम्परेचर का, तो लोएस्ट एंड हाइएस्ट टेम्परेचर दिया हुआ है 0.8, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ा, इसका रेशो बनाने के लिए इसमें हमने नीचे और ऊपर दोनों में टी टू का डिवाइड कर दिया। ऊपर अगर टी टू का डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, यहाँ टी वन में टी टू का डिवाइड करेंगे तो टी वन बटे टी टू हो जाएगा, और टी टू में टी टू का डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा। अब हमारा ये रेशो बन गया यहाँ पर, क्योंकि टी वन अपॉन टी टू कितना दिया 0.8, तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, वन की जगह वन रखा है, यहाँ पर भी टी वन अपॉन टी टू क्या दिया हुआ है 0.8 दिया। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और याद रखना है, 0.8 दिया है लेकिन कैसा दिया, लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर दिया, लेकिन ये यहाँ पर जो लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है टी टू होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है टी वन होता है। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टी वन को नीचे लाना पड़ेगा, इस टी वन को नीचे लाएंगे यहाँ वन बटे टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा। अब टी टू अपॉन टी वन जो वैल्यू दिया 0.8 वह रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर किया वन वन अपॉन 0.8 रख दिया, और माइनस वन की जगह वन रख दिया। इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया 4 आया है, लेकिन हमें सीओपी किसकी निकालना है, हीट पंप की निकालना है। तो हीट पंप की सीओपी जो हमारा रेफ्रिजरेशन की सीओपी होती है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, हीट पंप की सीओपी इक्वल टू होता है वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस फॉर्मूले में हमने वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को रख दिया 4, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 5, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, एक रेफ्रिजरेटर है वर्क कर रहा है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर, और प्रोड्यूसिंग अ टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है। आगे लिखा वर्क डन पर टी आर इज 700 किलो जूल पर 10 मिनट्स दिया हुआ है। आगे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीओपी, और सीओपी हमें निकालना है। इसके भी सॉल्यूशन को समझेंगे और इसके आंसर को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। सीओपी हमें निकालना, सीओपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन की हमें वैल्यू चाहिए, जबकि वर्क डन यहाँ पर दिया है कितना दिया पर टी आर, टी आर मतलब होता है 1 टन रेफ्रिजरेशन, क्या होता है 1 टन रेफ्रिजरेशन। तो इस दिया हुआ 700 किलो जूल पर 10 मिनट, तो 700 किलो जूल पर 10 मिनट, तो 10 मिनट दिया हुआ, पर मतलब डिवाइड होता है, इसको डिवाइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल, कितना दिया है 1 टन, तो 1 टन रेफ्रिजरेटर इक्वल टू होता है 210 किलो जूल पर मिनट। मिनट में क्यों लिया, क्योंकि ये भी वैल्यू मिनट में दी है, तो ये जो मिनट में आप सेम देखो यहाँ पर यूनिट हो गई, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, ऊपर रखेंगे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और नीचे क्या रखेंगे हम वर्क डन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रख दी, और जब एक दूसरे से कट किया तो आंसर कितना आया 3, 3 वाला मतलब ए वाला ऑप्शन है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा हुआ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर, एक रेफ्रिजरेटर है और जिसके टेम्परेचर की रेंज दी है -23 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। बोला इफ 1 टन इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 किलोवाट, तो पूछ रहा है द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टी आर टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए कितनी मिनिमम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके भी सॉल्यूशन को समझेंगे और आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूं मैं, ये यहाँ पर वर्क इनपुट इक्वल टू लिखा हो क्या हुआ, इसका क्या मतलब। जैसा कि हम जानते हैं सीओपी इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन और सीओपी एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, तो वर्क डन यहाँ पहुंच गया, सीओपी यहाँ पर आ गई, तो ऊपर क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन सीओपी। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और सीओपी की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमने ऊपर जो डाटा दिया उससे सीओपी निकाली है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला है। सीओपी इक्वल टू क्या होता है रेफ्रिजरेशन का, टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। टी टू की जो वैल्यू होती है वह कौन सी होती है, इसका मिनिमम टेम्परेचर है,
इन सभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, तो इसको किसमें लिखना पड़ेगा, केल्विन में। केल्विन में लिखने के लिए हम 273 का प्लस कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो 273 का अगर इसमें प्लस करेंगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 250, क्योंकि ये माइनस में दिया तो घट जाएगी। 227 दिया, इसमें अगर 273 का ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा। T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, COP इज इक्वल टू निकाल लिया 5, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपको लिखी दिख रही होगी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 टन इज इक्वल टू, क्योंकि किलोवाट की बात कर रहे हैं तो 3.5 किलोवाट होता है, उसकी वैल्यू रख दी है मैंने, इसको इसमें डिवाइड किया तो 0.7 किलोवाट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.7, जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हीट पंप वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। एक हीट पंप है, वर्क कर रहा है रिवर्स कार्नोट साइकिल पर, और जिसकी सीओपी दी है कितनी, 5 दी है। इफ इट इज मेड टू वर्क आर रेफ्रिजरेटर टेकिंग 1 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट, वर्क इनपुट के लिए कितना चाहिए, 1 किलोवाट पावर चाहिए उसको। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें निकालना है किसमें, किलोवाट में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है उसको समझ लेते हैं। जैसा मैं पहले बता दूं आपको कि फॉर्मूले भी वही हैं और वैल्यू भी मैक्सिमम बदल इधर उधर बदल के देते हैं, लेकिन समझाने का और पूछने का तरीका एकदम उनका अलग हो जाता है। देखो फॉर्मूला वही है, हम जानते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप में संबंध और रिलेशन होता हुआ है, क्या होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। अब हमें सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना, तो इसका इक्वल कितना हो जाएगा, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1। हीट पंप की सीओपी यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 5 दी है, तो हमने यहाँ पर सीओपी की जगह 5 लिख दिया और माइनस 1 कर दिया, तो हमारा 4 आंसर आ गया रेफ्रिजरेटर की सीओपी। अब हमें निकालना क्या है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट निकालना, तो हमारा जो सीओपी इज इक्वल टू होता है रेफ्रिजरेटर की सीओपी इज इक्वल टू होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन होता है वर्क डन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन होता है वर्क डन। अब हमें सीओपी क्या निकालना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सीओपी का एंड वर्क डन का, तो ये फॉर्मूला बन गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू सीओपी इनटू वर्क डन। सीओपी की वैल्यू हमने 4 निकाली, उसको रख दिया, और जो वर्क डन हुआ है 1 दिया, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 1 किलोवाट लिखा है ऑफ वर्क इनपुट, 1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 किलोन्यूटन हमारा आंसर आ गया, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, उसकी सीओपी दी है 4। इफ इट वर्क्स ऑन अ हीट पंप एंड कंज्यूम, कितना किलोवाट वर्क कर रहा है, 1 किलोवाट, द हीटिंग इफेक्ट इन किलोवाट विल बी निकालना है, हीटिंग इफेक्ट निकालना है, तो इसके भी सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन ध्यान समझे, वही कंडीशन, देखो सीओपी हीट पंप की इक्वल टू होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी हमने 4 रख दी, तो टोटल सीओपी हीट पंप की कितनी आएगी, 5 आ गई। हीटिंग इफेक्ट निकालना, तो हम जानते हैं सीओपी इक्वल टू क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है, ठीक है, या फिर जो हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाता है, इसमें पंप में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। अब सीओपी के इक्वल टू हमारा क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, हीटिंग इफेक्ट निकालना, तो वर्क डन और सीओपी का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला बन जाता है सीओपी इंटू वर्क डन। सीओपी की और वर्क डन की हमने वैल्यू रख दी, सीओपी 5 यहाँ पर निकाल लिया, वर्क डन 1 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 किलोवाट आंसर आ गया, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स इतनी, मतलब कार्नोट एक रेफ्रिजरेटर जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है कितनी, 3000 किलोजूल ऑफ हीट एट कितने टेम्परेचर पर, 400 केल्विन पर, व्हाइल यूजिंग 1000 किलोजूल ऑफ वर्क, और इतने किलोजूल वर्क करना पड़ रहा है उसको, तो हमें क्या निकालना है, लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हमें निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन को समझा देता हूं मैं, अब इसको ध्यान से समझे, सीओपी इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें हीट और वर्क डन की बात की गई, तो सीओपी इज इक्वल टू होता है जैसे टेम्परेचर के टर्म में होता ना, इस तरह हमने यहाँ पर हीट और वर्क के टर्म में लिखा है। Q2 क्या होता है, जो हीट है रिजेक्ट की जा रही है, बटे होता है वर्क डन। अब Q2 की अगर हमें वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2, तो वहां से हमने क्या किया, Q2 की वैल्यू निकाली, तो क्या हो गया, Q1 माइनस W, याद रखें वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2, वहां से हमने Q2 की वैल्यू निकाली, तो क्या हो जाएगी, Q1 माइनस W अपॉन वर्क डन ऑलरेडी था, Q1 की वैल्यू दी है यहाँ पर, दिए 3000 और W इज इक्वल टू वर्क डन दिया है 1000, इसकी वैल्यू रख दी है, नीचे भी 1000 वर्क डन रखना है उसको रख दिया, इसको जब कैलकुलेट किया तो आंसर आया हमारा 2। अब सीओपी हमने निकाल ली, हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालना है, तो सीओपी को हम टेम्परेचर के टर्म में लिख देंगे, T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2
T2 की जगह हमें क्या करना है, उसको निकालना है, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर हमेशा हम T2 मानते हैं। COP जगह 2 रख दिया है, हाईएस्ट टेम्परेचर 4000 केल्विन है, इसकी वैल्यू रख के हमने क्या किया, T2 को निकाल लिया। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं इसको, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर T2 एक साइड कर लेंगे। ठीक है, फिर T2 का कॉमन लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 400 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा T2 इक्वल टू आएगा 266.6 केल्विन। अगर आप इसको केल्विन की जगह किस में चेंज करना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस में, तो इसके अंदर से केल्विन से हम क्या करेंगे, 273 का माइनस कर देंगे, तो हमारी -6.4 डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो -6.4 डिग्री सेल्सियस कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, अ हीट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 70%, जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 70% इज यूज्ड टू ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करने के लिए, हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 5, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दी है 5, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन किलोजूल फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर बाय द रेफ्रिजरेटर, 4 ईच किलोजूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ द इंजन। तो उसको हमें एनर्जी को निकालना है, आगे मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस डायग्राम से कोई ज्यादा मतलब न रखें, यहाँ पर सीधे फॉर्मूले की बात करें, तो सीओपी हम जानते हैं क्या होता है, Q2 अपॉन W, यहाँ पर क्या होता है, Q2 अपॉन W होता है। ठीक है, सीओपी दिए 5, हमने इसको लिख दिया Q2 अपॉन W लिख दिया। अब हमें क्या W की अगर वैल्यू चाहिए, तो W को यहाँ पर ले जाएंगे, 5 को W की जगह ले जाएंगे, तो W इक्वल टू Q2 अपॉन 5 हो जाता है। ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं एफिशिएंसी की बात की गई, तो होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन इक्वल टू हमने निकाला Q2 अपॉन 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं Q2 अपॉन 5 बटे जो हमने लिख दिया। एफिशिएंसी ऑफ इंजन की कितनी दी है, 70%, परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसी को लिखते हैं, तो हमने एफिशिएंसी की जगह 0.7 लिख दिया। Q2 अपॉन 5 वर्क डन की जगह लिख दिया है अपॉन Q1। ठीक है, Q1 क्या है, हीट सप्लाई होती है, आपने पढ़ा होगा, तो हीट सप्लाई इक्वल टू कितना लिखते हैं, Q1। अब इसको हमें Q2 अपॉन Q1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 3.5 आंसर आ जाएगा, तो हमारा इस सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे, ऐसे ही मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, और भी वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।